हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट का रिक्स के ऑनलाइन क्लास में। आज अपन बात करते हैं कि बीएससी थर्ड ईयर का पेपर नंबर सेकंड जो न्यूक्लियर फिजिक्स है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो न्यूक्लियर फिजिक्स पेपर अपन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पूरा पेपर कवर अप करेंगे, तो देखते हैं। अपन फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है अपनी, तो यूनिट फर्स्ट अपनी है, स्टार्टिंग होती है मतलब बेसिक कंसेप्ट से स्टार्टिंग होती है लगभग। तो आपने 11th और 12th में ये नाभिक वाले चैप्टर पढ़ रखे हैं, दो चैप्टर थे अपने पास। तो इस जो न्यूक्लियर फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है वो बेसिक से ही होती है। तो अपन यहाँ पे आज की क्लास में बेसिक के ही बात करेंगे। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर, यानी नाभिक की खोज कैसे हुई। तो अपन जानते हैं कि नाभिक की खोज कैसे हुई थी। वैसे तो सभी को पता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग है रदरफोर्ड के द्वारा वो दिया गया, तब नाभिक के बारे में पता लगाया गया था। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहले रदरफोर्ड के पहले क्या हुआ था, कौन सा मॉडल आया था। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन स्टार्टिंग से लेते। तो अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ होता है, पदार्थ यानी कोई भी मेटेरियल हो सकता है, पदार्थ किससे मिलकर बना हुआ था। कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अपन बात करते हैं पदार्थ की, तो पदार्थ किससे बना होता है अपने पास, छोटे कणों से मिलकर बनाए। तो कोई भी पदार्थ होता है वो होता है अपने पास छोटे छोटे पार्टिकल या छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है वही क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। और उसी को अपन क्या नाम देते हैं, परमाणु। कोई पदार्थ हो गया वो छोटे छोटे पार्टिकल से जब बनता है तो उसी को अपन क्या नाम देते हैं, एटम या परमाणु। अब अपन बात करते हैं कि एटम में सबसे पहले अपने पास जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे अपने पास जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन क्या कहते हैं इसमें, जे जे थॉमसन कहते हैं कि अपने पास सबसे पहले जे जे थॉमसन ने बताया कि जो कैथोड किरण आविष्कार की सहायता से बताया कि सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया कि जे जे कैथोड किरण यानी कैथोड किरण से क्या किया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगाया कि कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिवली ऐसे पार्टिकल होते हैं, ऐसे कण होते हैं जो किसके द्वारा पता लगाया गया, कैथोड किरणों की सहायता से। तो वहाँ पता लगाया गया कि सबसे पहले जे जे थॉमसन ने बताया कि जो भी परमाणु होता है उस परमाणु में क्या रहते हैं, परमाणु में हमेशा नेगेटिव चार्ज रहते हैं। नेगेटिव चार्ज रहते हैं। अब जब नेगेटिव चार्ज रहते हैं तो अपन भी जानते हैं कि परमाणु कैसा होता है, हमेशा उदासीन होता है। जब ये बता रहा है कि परमाणु में नेगेटिव चार्ज है, जब परमाणु में नेगेटिव चार्ज है यानी परमाणु उदासीन कब होगा, अपन जानते हैं परमाणु कैसा होता है, एटम न्यूट्रल होता है। यदि परमाणु नेगेटिव चार्ज है तो इसमें इतने क्या होने चाहिए, अपने पास पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए। यानी कह सकते हैं कि अपने पास यदि जितने नेगेटिव चार्ज है उतनी अपने पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये अपना एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा या उदासीन होगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट दिया था स्टार्टिंग में वो दिया था जे जे थॉमसन ने। फिर जे जे थॉमसन ने एक मॉडल भी दिया, तो उसे अपन कहते हैं परमाणु का थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। अब ये मॉडल क्या बताता है, सबसे पहले तो ये पता लगाया पदार्थ पर छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जिसे क्या कहा गया, परमाणु कहा गया जे जे थॉमसन का। फिर परमाणु में नेगेटिव चार्ज रहते हैं, तो उन्होंने कैथोड किरण की सहायता से पता लगाया कि परमाणु में क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु उदासीन भी रहता है, तो वहाँ से पता लगा कि उदासीन है मतलब जितने नेगेटिव चार्ज है उतने क्या पॉजिटिव चार्ज भी होने चाहिए, जितना का नेगेटिव है उतना धनावेश भी होना चाहिए। फिर अपन ने सबसे पहले ये बताने के बाद फिर उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है परमाणु का थॉमसन मॉडल। इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया, ये मॉडल दिया कब गया था, 1904 में जे जे थॉमसन ने बताया कि अपने पास क्या होता है, कोई भी धनावेशित गोला होता है। धनावेशित गोला कितना होता है अपने पास, यानी धनावेशित गोले की साइज बताइए, धनावेशित गोला 10^-10 मीटर का। तो इन्होंने जो साइज बताई है वो कितनी बताई है, 10^-10 मीटर। यानी जो धनावेशित गोला होता है इन्होंने बताया कि सबसे फर्स्ट में यही बताया था कि इसमें क्या 10^-10 मीटर का धनावेशित गोला होता है। अब जब ये गोला धनावेशित है, अब अपन जानते हैं कि परमाणु में क्या रहता है, परमाणु हमेशा उदासीन रहता है। जब धनावेशित गोला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो बीच में जो अपने पास ये ब्लू ब्लू वाली लाइन दिख रही है वो क्या मान लिया इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन, इस गोले में कुछ मात्रा में क्या रहते, इलेक्ट्रॉन रहते, कुछ क्या जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश भी रहेगा अपने पास। तो वही बताया कि इन्होंने क्या रहते हैं अपने पास, इलेक्ट्रॉन रहते हैं।
जैसे अपन यदि केक की बात करें, केक सबने खाया है आपने, बट हर बर्थडे में केक लाते हो बनाते हो, तो जैसे अपने पास केक होता है गोल होता है, उसमें क्या रहता है काजू किशमिश जो भी एक्स्ट्रा अदर चीज़ें डाली हुई रहती हैं, तो वो केक तो क्या है अपना जो पूरा केक का मटेरियल है वो तो है अपना तनावेशी, तो और केक में जो काजू है किशमिश है या ऐसे कुछ बादाम है तो वो क्या है अपने पास नेगेटिव चार्ज। तो इसी तरह से सेम ये चीज़ है कि अपने पास धनावेशित गोला है वो तो क्या है पॉजिटिव चार्ज से है, और बाकी जो बीच में कुछ है वो क्या है अपने पास नेगेटिव है। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल यही कहता है कि 10^-10 मीटर का एक गोला होता है जिसमें क्या होता है कुछ मात्रा में धनावेशित भी होता है कुछ मात्रा में ऋणावेशित भी होता है, यदि दोनों समान मात्रा में है तो वो क्या होगा परमाणु उदासीन होगा। फिर अपन बात करते हैं, इन्होंने कुछ बात भी बताई थी कि जैसे मैंने लिखी है कि जब धातु को गर्म किया जाता है, जब धातु को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकलता है। धातु धातु यानी कोई भी अपन भी जानते हैं कोई भी मटेरियल को आप हीट करोगे तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट या कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा। तो जब धातु को गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वाइब्रेट करके ऊर्जा देकर क्या करेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो ये है कि जब धातु को गर्म किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या निकलता है बाहर निकलता है, तो ऊर्जा ग्रहण करके क्या करेगा वो बाहर निकलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है अपने पास, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो प्रकाश विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं, जब आप उसको हीट करोगे जब उसमें टेम्परेचर में चेंज करोगे कोई भी पदार्थ में तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा तो वो क्या करेगा प्रकाश तरंग के रूप में बाहर निकलेगा, तरंग यानी रेडिएशन के फॉर्म में। तो इस मॉडल में ये दो चीज़ें बताई थी। फिर इस मॉडल की व्याख्या क्या क्या हुआ, तो इस मॉडल का जो अपन काम में लेते हैं तो इस मॉडल के द्वारा पता लगाया गया कि जो गैस के आयनीकरण होती है मेन चीज है अपने पास जो गैस का आयनीकरण, तो जहाँ गैस का आयनीकरण होता है तो गैस का आयनीकरण इस मॉडल से पता लगाया जा सकता है कि गैस का आयनीकरण इसी से संभव है। तो गैस का आयनीकरण कब होगा जब अपन को पता है कि कौन सी गैस पॉजिटिव है कौन सी गैस नेगेटिव है, उसके बेस पर क्या होगा अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव के पता लगने के बाद गैस का आयनीकरण कह सकते हैं। फिर इसमें कुछ दोष भी रहे थे, जरूरी नहीं कि हर मॉडल हमेशा सफल हो। तो जब परमाणु का थॉमसन मॉडल था उसमें क्या हुआ कुछ ना कुछ कमियां रही कुछ ना कुछ दोष रहे, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर आगे किसी ने प्रयोग किया। तो वो कमियां क्या थी, कमियां ये थी कि फर्स्ट था अपने पास स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं हो सकी। क्यों स्पेक्ट्रम की व्याख्या क्यों नहीं कर सका, ये बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम में हमेशा अपने पास कितना एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसमें क्या होगा अपने पास मान लिया कि कोई भी विकिरण उत्सर्जित करता है या कोई भी स्पेक्ट्रम देता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है यानी कोई भी उसको अपन हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करके जो रेडिएशन की फॉर्म में या जो स्पेक्ट्रम में लाइन देनी चाहिए वो कितनी देनी चाहिए हमेशा एक लाइन देनी चाहिए, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन में जो यदि स्पेक्ट्रम की लाइन देखी जाए तो वो एक नहीं होती वो बहुत सारी होती है, क्योंकि स्पेक्ट्रम में एक लाइन पॉसिबल नहीं होती। तो यहाँ पे फर्स्ट बात तो इसी से फेल हो गया कि हाइड्रोजन एटम में क्या था अपने पास एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें स्पेक्ट्रम लाइन भी कितनी आनी चाहिए एक लाइन आनी चाहिए, पर वो एक लाइन ना नहीं आती, वो लाइन कितनी आती है बहुत सारी आती है, जब लाइन बहुत सारी आती है तो फिर ये क्या हो जाता है स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता। तो इस वजह से एक तो यही सबसे बड़ी कमी थी कि ये क्या हो गया वहाँ पे फेल हो गया। फिर कहता है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन का कारण नहीं व्यक्त कर सका। अब अल्फा कण का प्रकीर्णन मतलब अपन ने कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऐसा पार्टिकल ले लिया जिसमें क्या गया अल्फा कण ऊपर से गिरा या बम्बार्ड करवाए, तो इसमें कहता है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन का कारण नहीं बता सका। क्यों नहीं बता सका, क्योंकि अल्फा प्रकीर्णन इससे क्या इफेक्ट डालेगा उसकी रीजन की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है कुछ अलग चले जाते हैं कोई इसकी स्कैटरिंग हो जाती है कुछ पार्टिकल रिटर्न वापस आ जाते हैं, तो ये सब वो नहीं बता सका। तो ये था अपना परमाणु का थॉमसन मॉडल, याद क्या रखना है आपको थ्योरेटिकली कंसेप्ट है तो थोड़ा सा याद रखना है कि सबसे पहले तो परमाणु का थॉमसन मॉडल, वैसे तो यदि खोज के बारे में अपन को लिखना है तो खोज तो वही है कि जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो परमाणु का थॉमसन मॉडल 1906 में दिया गया था। पर कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। इन्होंने क्या बताया था सबसे पहले कि कैथोड किरण की सहायता से इलेक्ट्रॉन के बारे में या नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया, तो कैथोड किरण की सहायता से किसके बारे में पता चला अपन को नेगेटिव चार्ज। फिर उन्होंने बताया ये कि परमाणु हमेशा क्या रहता है उदासीन रहता है, जब परमाणु उदासीन रहता है तो अपन जानते हैं कि जो परमाणु उदासीन है नहीं जितने नेगेटिव चार्ज है उतने क्या होना चाहिए अपने पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। जब पॉजिटिव चार्ज का पता लगा तो अपने पास दो बातें पता थी, एक तो नेगेटिव चार्ज का कि परमाणु एक तो न्यूट्रल रहता है और एक परमाणु में नेगेटिव चार्ज रहता है, ये बताया था स्टार्टिंग में। फिर उन्होंने पता लगाया कि जब ये सब रहता है तो फिर उन्होंने सोचा कि परमाणु की कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर भी होगा क्या संरचना होगी ऐसी, तो उन्होंने उस संरचना की व्याख्या की है इस मॉडल में। तो इसलिए थॉमसन मॉडल करता है वो क्या करता है परमाणु की संरचना की व्याख्या करता है।
स्ट्रक्चर की व्याख्या करता है एटम की। तो इस फिर उन्होंने एटम में क्या बताया कि कोई भी धनावेशित गोला होता है, धनावेशित गोला कितना होता है, 10^-10 मीटर का। जब धनावेशित गोले में क्या रहता है, जब ये पूरा धनावेशित गोला हो गया उसमें क्या रहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे अपन तरबूज पढ़ते हैं या कोई आलू बुखारे या केक की बात करते हैं तो उसमें जैसे कैसे कुछ पार्टिकल रहते हैं, वैसे इसमें क्या रहता है, ये नेगेटिव चार्ज रहता है बीच बीच में। तो वो क्या रहता है, अपने पास ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे। फिर अपन को बात करनी है कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें जो मैंने लिख रखी है कि जब धातु को गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कंपन करते हैं तो वो प्रकाश विकिरण या रेडिएशन के फॉर्म में अपन को बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, उत्सर्जित होता है। इस मॉडल की व्याख्या से क्या, इस मॉडल से किसकी व्याख्या की थी अपन ने, गैस के आयनीकरण, क्योंकि गैस में कौन से प्लस आयन है कौन से नेगेटिव आयन है वो पता लगाया जा सकता है। जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी वो यही थी कि ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जब स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण, क्योंकि अपन को स्पेक्ट्रम में जानते हैं कि एक लाइन मिलनी चाहिए हाइड्रोजन के लिए, पर वो एक लाइन में बहुत सारी लाइन मिलती है, तो ये ऐसा संभव नहीं हुआ। और अल्फा कण प्रकीर्णन अपन जानते हैं कि वो क्या होता है। तो ये सब आपको किस में बताना है, परमाणु का थॉमसन मॉडल में बताना है। तो ये थॉमसन मॉडल एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो लिख लो। स्टार्टिंग जो अपने पास है न्यूक्लियर फिजिक्स वो क्या है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।